हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम में टर्म इंडिपेंडेंट कैसे फाइंड आउट की जाती है। आइए देखते हैं टर्म इंडिपेंडेंट होता क्या है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1/x + 1/x² का फार्मूला क्या होता है, तो आप x² 1/x² + 2, ठीक है दोस्तों, इसको ओपन करने पर ये आता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर क्या है, एक्स नहीं है, यानी कि ये टर्म ऐसी है जो बिना एक्स के है। इसको एक्स रूट पर जीरो लिख सकता हूँ, एक्स रूट पर जीरो की वैल्यू क्या आती है, 1। ये टर्म है मेरी टर्म इंडिपेंडेंट, इस टर्म को बोलता हूँ मैं टर्म इंडिपेंडेंट, जहाँ पे एक्स नहीं हो, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया मेरे पास x² + 1/x⁹9, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 84 - 84, 80 - 80, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, सबसे पहले मैं मुझे क्या अप्लाई करना है, जनरल टर्म फार्मूला, ठीक है दोस्तों। जनरल टर्म फार्मूला इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, TR+1, इसको इसके साथ कंपेयर करें, n की वैल्यू क्या है, 9 है, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 9 और r की जगह पे r ही रहने देना है। a^2 क्या होता है, n - k r और b^r, ठीक है दोस्तों। इसको जितना सॉल्व कर सकते हो इसका सॉल्व कर लीजिए, x^r 18 - 2r और ये ऊपर जाके -r हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 9cr, बेस से में पावर क्या होगी, जुड़ गई, 18 - 3r, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करना क्या है, x की पावर यह है, इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। x की पावर को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टर्म इंडिपेंडेंट। यहाँ पे कट गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 6। यहाँ पे r की वैल्यू 6 रख दो, 9c6 x^r 18 और 6 18 यहाँ रखा, तो 9c6 x^0, ठीक है दोस्तों। जो ये वाली टर्म आई 9c6, ये क्या आएगी मेरी टर्म इंडिपेंडेंट। इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, 9c6, इसको ओपन किया तो 9 factorial over 6 factorial और 3 factorial, 9 × 8 × 7 × 6 factorial by 6 factorial और 3 factorial को ओपन कर दिया, इसके साथ ये कट गया, ठीक है दोस्तों। 3 × 3 = 9 और 2 × 4 = 8, ठीक है दोस्तों। 4 × 3 = 12 और 12 × 7 = 84, यानी कि 1 आ गया मेरा राइट आंसर। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी है, ये टर्म इंडिपेंडेंट है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास x² - 2/x³⁵, ठीक है दोस्तों, और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 40 - 40, 45 - 48, ठीक है दोस्तों। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। फार्मूला अप्लाई करना है पहले, TR+1, n क्या 5, 5cr, a^2, a क्या है x², a^n - r और b क्या है, ये सारा -2/x³ - 2/x³⁴, ठीक है दोस्तों। इसको जितना सिंपलीफाई कर सकते हो इसको कीजिए, तो ये चला गया x⁻⁷ - 2r, इसको अलग अलग करके लिख लिया, एक तो आ गया -2⁻⁴r और x⁻⁷ - 3r, ये ऊपर गया माइनस। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, 5cr, बेस से मैं पावर क्या होगी, जुड़गी, 10 - 5r, 3 × 2 = 5 और -2⁸r, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मुझे करना क्या है, जो x की पावर है इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर, = 0, -k 5r = -k 10, यहाँ से ये कट गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 2। सिंपली r की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 5c2 x⁻⁷ - 10 - k 10 और -2⁻⁷, ठीक है दोस्तों।
ये इसके साथ कट गया तो क्या आ गया, 5c2 और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये x की पावर क्या आ गई 0। ये जो मेरा आ गया ये क्या आ गया मेरा आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 5c2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 सॉरी 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल बाय 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। इसके साथ ये कट गया, 2 × 4 5 × 10 और 10 × 4 = 40, तो 40 क्या आ गया मेरा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3x² - k1/3x⁻¹। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछ लेगा फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट, और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। ए है 8/19 और बी है 7/15, सी है 8/15, ठीक है दोस्तों, और डी है 7/18। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सिंपल, पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं। एन की वैल्यू पे क्या है, एन की जगह पे 9 है, 9cr t r + 1 = 9cr। एक है ये a^n-r, और बी क्या है, बी मेरा सारा ये है -k1/3x⁻r। इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये क्या आ गया, इसको अलग अलग 3/2 को अलग लिख लो, 3/2 की पावर 9-r, और ये x 18-k2r, यानी कि आपको x को सेपरेट रखना है, x की पावर को सेपरेट बनाना है। और यहाँ पे भी इसको अलग लिख लिए, x की पावर को अलग लिख लेंगे -1/3 की पावर r, और ये x रेट पर माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2 की पावर 9-r, यहाँ पे x की पावर है, यहाँ पे x की पावर है, बेस सेम हो गया, पावर क्या होगी जुड़ गई 18-3r, और ये एज इट इज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, x की पावर है इसको क्या रख दो 0 के बराबर, तो यहाँ से ये इसके साथ कट गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, r की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। ठीक है दोस्तों, r की वैल्यू 6 कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, और जो मेरा आ जाएगा आंसर उसको सिंप्लीफाई कर लो, 3/2 की पावर r की वैल्यू क्या आई 6, x रेट बार 3 × 18, -1/3 की पावर 6। ठीक है दोस्तों, ये इसके साथ कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया 9c6 3/2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 6, यानी कि 1/3 की पावर 6 ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, और x की पावर 0। और ये जो मेरे पास आंसर आ गया इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, यहाँ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 9c6 को ओपन किया 9 फैक्टोरियल/6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और 3 की पावर 3 को एज इट इज लिख लिया, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, ताकि इसके साथ ये कट जाए 1/3 की पावर 6। ठीक है दोस्तों, 3 की पावर 3 यहाँ पे कट, इसके साथ कट गया, तो क्या आ गया 9 × 8 × 7 × 6 × 3 को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है दोस्तों, और 1/8 × 3 तीन पावर यहाँ कट गई थी रह गई, इसके साथ ये कट गया, यहाँ पे 8 के साथ 8 कट गया। ठीक है दोस्तों, 3 × 9 क्या बच गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या बचा है, यहाँ पे 3 × 7, और नीचे क्या बच गया 2 × 3 × 3, यहाँ पे 3 की पावर 3 है ना। ठीक है दोस्तों, और 1 3, और ये 3 इसके साथ कट गया, रह क्या गया मेरे पास 7/3 × 9 और 9 × 18। ठीक है दोस्तों, 7/18 क्या है डी, तो डी क्या जाएंगे मेरा राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा टर्म इंडिपेंडेंट कैसे फाइंड किए जाते हैं। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, बट आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।